अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट लवर्स। आज दोस्तों एशिया कप 2022 का बहुत बड़ा मैच जो कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान खेला जा रहा है, जो कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे जबकि लोकल टाइम के मुताबिक 6 बजे खेला जाएगा। अगर हम इस मैच की बात करें तो ये एक बड़ा मैच है तमाम ही क्रिकेट देखने वाले और जो क्रिकेट के शायकीन हैं उनको इंडिया पाकिस्तान के मैच का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो इस मैच की तरफ जाते हैं दोस्तों कि इस मैच में आज का वेदर कैसा रहेगा, हेड टू हेड दोनों टीमों का क्या रिकॉर्ड है आपस में, किस टीम ने एक दूसरे के खिलाफ कितने मैचेस खेले और जीते हैं, और कौन से इंपैक्ट प्लेयर रह सकते हैं दोनों ही टीमों में। तो अगर सबसे पहले अगर हम देखें वेदर की बात करें तो आज के मैच का वेदर जो है वो थोड़ा गर्म ही रहेगा, 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक वेदर रहने का अमकान है और उसका भी कुछ फैक्टर पड़ सकता है। जिस तरह सेकंड जो मैं टीम बैटिंग करेगी तो उसमें उसका फैक्टर हो सकता है, लेकिन जो भी टीम टॉस जीतेगी यहाँ वो टॉस जीत के पहले बॉलिंग ही करेगी। अगर कल का मैच भी अगर देखा जाए अफगानिस्तान और श्रीलंका का, तो शुरू के फास्ट बॉलर्स को अच्छी सीम स्विंग्स मिली है, जिस तरह फरूकी ने पहले ओवर में और दूसरा ओवर जो था उसमें भी बड़ी अच्छी मूवमेंट एक नज़र आई है। पहले ही ओवर में 2 विकेट ले लिए थे फरूकी ने, तो शुरू के 6 ओवर में फास्ट बॉलर के लिए मददगार साबित हो सकती है ये पिच। अगर दोनों टीमों के अब तक टोटल मैचेस की अगर हम देखें, ओवरऑल अगर हम देखें तो अब तक टोटल 9 T20 मैचेस खेले गए हैं दोनों टीमों के दरमियान, जिसमें से 7 इंडिया ने जीते हैं जबकि 2 पाकिस्तान ने जीते हैं। और वनडे में भी पाकिस्तान का पड़ला भारी है, वनडे में पाकिस्तान ने 132 में से 73 मैचेस जीते हैं जबकि 55 मैचेस इंडिया ने जीते हैं, जबकि 59 में से 9 टेस्ट इंडिया ने जीते हैं जबकि 12 पाकिस्तान ने जीते हैं। अगर टोटल का अगर देखा जाए तो 200 मैचेस में से 87 पाकिस्तान ने जीता है जबकि 71 मैचेस ऐसे हैं जो कि बेनतीजा रहे हैं, जिसमें कोई भी टीम नहीं जीत पाई। ये था एक टोटल रिकॉर्ड दोनों टीमों का। अगर इंडिया पाकिस्तान के हेड टू हेड अगर हम देखें आज तक के मैचेस की, तो इसमें पहला मैच जो खेला गया 2007 वर्ल्ड कप में खेला गया, जिसमें बाज मैच टाई हो गया था और बाज पे फैसला हुआ जो कि 3-0 से इंडिया ने जीत लिया था। दूसरा मैच सितंबर 2007 जो कि वर्ल्ड कप का फाइनल था, बड़ा अच्छा मैच जो कि मिसफाउलक काफ़ी करीब तक ले गए थे मैच, लेकिन आखिर में आके मिसबा भी आउट हो गया और पाकिस्तान ये मैच 5 रन से हार गया। उसके बाद 2012 में हुआ वर्ल्ड कप का मैच, वर्ल्ड कप में जो कि इंडिया की टीम ने 8 विकेट से जीत लिया था। फिर 2012 दिसंबर 2012 में